अपने नेत्रों को सुरक्षित रख पाए, उनकी सामर्थ्य सुरक्षित रहे। हमारे आदेश है श्रवण करें, मनन करें, ध्यास करें। मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर जी धामी, गंगा मैया की जय, बाबा केदार जय, बाबा बद्री विशाल। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के इस जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, बागेश्वर धाम जी आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य कुमार स्वामी जी, परम पूज्य परमात्मा जी महाराज, सुदानंद भूमि जी, पंडित जी महाराज, बाबा भूपेंद्र जी, संपूर्णानंद जी, और जिनको अभी आप सब सुन रहे थे, हरियाणा सरकार के हमारे बहुत ही यशस्वी, सहज और सरल कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायक सिंह सैनी जी, परिवहन मंत्री मेरे पूजन मित्र श्री असीम गोयल जी, और अम्बाला की लोकसभा प्रत्याशी संतो कटारिया जी, एवं मंच पर आती हमारे सभी पूज्य संतगण, और दूसरे मंच पर आसीन हमारे सभी पूज्य संतगण, और इस जन्मोत्सव के अवसर पर पूज्य महाराज जी को अपनी शुभेच्छाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, अपार संख्या में आए हुए सभी श्रद्धालु, सभी भक्तजन, सभी पूज्य माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको शतायु करे, दीर्घायु करे, और इसी प्रकार से जैसा पूज्य गुरु सर्वानंद जी महाराज ने यहाँ से कहा कि हम सबको 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, 100 वर्षों तक जीवित रहना चाहिए, अपने सारे अंग ठीक प्रकार से स्वस्थ रखने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। आज पूज्य ज्ञानानंद जी के इस जन्मोत्सव पर जहाँ हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराज जी स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हम सबको ज्ञान देते रहें, हम सबको अपना आशीर्वाद देकर जीवन के जिस पथ पर भी हम सब लोग काम करते हैं उस पथ पर आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद पूज्य संतगणों का हमको मिले, भगवान की कृपा हो। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी स्वस्थ रहें, और जिस प्रकार उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए, गीता के ज्ञान के लिए, जो गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी, और वो गीता का संदेश घर घर तक आपने पहुंचाया, वो हम सब की आत्मा में, हम सब के कर्म में, विचार में हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। भाइयों बहनों, बहुत ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि मैं एक बात जरूर आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हमारे पुण्य स्थान हैं, उन सभी पुण्य स्थानों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण पूरे देश के अंदर एक नई गति से प्रारंभ हुआ है। चाहे अगर हम आज काशी विश्वनाथ की बात करें, काशी विश्वनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो गया, भव्य काशी दिव्य काशी बन गई, महालोक काल उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया, देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का काम प्रारंभ हो गया, और हम सब के आराध्य देव जिसकी हम सब पूज्य संतगणों ने, कार सेवकों ने,
देश के राम भक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, जिसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की, लंबे समय तक संघर्ष किया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी वहां पर हो गई। इन लंबे कालखंडों के बाद हम सबको यह अवसर मिला है और इस युग में पैदा होने के बाद ये सौभाग्य है हम सबका कि हम सबको राम युग में जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपके अवसर पर आप सभी भक्तगणों का अपनी ओर से अभिनंदन करते हुए, चार धाम यात्रा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर चल रही है, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, क्योंकि भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं की और तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा कर, विधिवत अपनी बुकिंग करवा कर और मौसम की जानकारी लेकर आप अपनी यात्रा करें। हम सब आपका आतिथ्य करने के लिए वहाँ पर तैयार हैं, देवभूमि तैयार है। मैं एक बार फिर से सभी का अपनी ओर से धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए और पूज्य महाराज जी को एक बार फिर से अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के वासियों की ओर से कि आप स्वाई हो, दीर्घायु हो और लंबे समय तक हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपने माड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राधे राधे, राधे।